अरे भाई राहुल, तुम चारपाई के नीचे क्यों छुप रहे हो? अरे चारपाई के नीचे से निकलो, निकलो चारपाई के नीचे से बाहर निकलो। अरे तुम तो चारपाई के नीचे क्यों लेट रहे हो जाकर, क्यों डूब रहे हो जाकर? अरे चारपाई के नीचे से जल्दी निकलो तुम। अरे ये काम क्या कर रहे हो तुम, ये काम तो बहुत गलत है। अरे मोदी जी, तुम्हें क्या बताऊं, आज मैं भैंस चुंगाने के लिए नहीं गया था और भैंस के लिए चारा काटने के लिए नहीं गया था, इसीलिए मैं आपकी चारपाई के नीचे डूब रहा हूं। मम्मी जी आने ही वाली होंगी, उनसे कह देना राहुल यहाँ नहीं आया था, आने ही वाली होंगी वो थोड़ी बहुत देर में। बस बस आज बचा लो तुम मुझे। जी आप भी काम का की बात कर रहे हो बहन सोनिया जी, इतनी सी बात के लिए आपको देखने के लिए मेरे घर पर थोड़ी नहीं आएंगी, वो खुद चारा काट के और भैंस को खिला देंगी। आप चारपाई के नीचे से निकलो और चारपाई के ऊपर आके बैठो जल्दी से, कोई बात करना है तुमसे। मोदी जी, मेरा बेटा राहुल क्या आपके घर पे आया था? आया था, अगर आया हो तो तुम मुझे बता दो। बहन सोनिया जी क्या हुआ, क्या हुआ? राहुल जी तो यहाँ पर आज नहीं आए, क्या हुआ, क्या बात है, बताओ मुझे बताओ। अगर वो मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे कह दूंगा। मोदी जी तुम्हें क्या बताऊं, भैंसिया का चारा काटने के लिए राहुल को बुलाने के लिए मैं आई थी, मगर वो तो आपके भी घर पे नहीं है। मुझे लग रहा है वो लालू जी के घर पे गया होगा, लालू जी के घर पे जाकर देखती हूँ मैं। बहन सोनिया जी आप कहाँ पे जा रही हो, कहाँ पे जा रही हो? मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, बताओ बताओ क्या परेशानी है आपको। लालू जी, अच्छा हुआ कि आप मोदी जी के घर पे आ गए, वरना तो मैं आपके घर पे आने वाली थी। आपके घर पे क्या मेरा बेटा राहुल आया है? आया है, गया था क्या आपके घर पे, मुझे बताना जरा। बहन सोनिया जी तुम्हें क्या बताऊं, आज तो राहुल जी मेरे घर पे एक भी बार नहीं आए, उनके इंतजार में मैं बैठा भी पड़ा था। मैंने सोचा अगर राहुल जी मेरे पास आ जाएंगे तभी मोदी जी के घर पे हम दोनों साथ में चाय पीने के लिए जाएंगे, मगर तुम वो तो आज मेरे घर पे आए भी नहीं है एक भी बार। बहन सोनिया जी बात क्या हो गई, बात तो बताओ, आप इस तरीके से उन्हें ढूंढती नहीं फिरती हो एक भी बार। मोदी जी और लालू जी तुम दोनों को मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो पता ही है राहुल एक भैंस खरीद के लेके आया था और उसके लिए चारा काटने के लिए नहीं गया, इसीलिए बुलाने के लिए आई थी मैं। अगर वो आप लोगों को मिले तो तुम मुझे बता देना, चारा काटने के लिए आप उन्हें भेज देना मेरे पास। बहन सोनिया जी जब भी राहुल जी आएंगे मैं भेज दूंगा टाइम से भेज दूंगा, और चारा काटने के लिए मैं भी साथ में चला जाऊंगा, क्योंकि मैं भी अपनी बकरी के लिए थोड़ी सी घास लेके आऊंगा काट कर उनके साथ में जाकर। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।